जी, थैंक यू। और तो आ गए अपने ठंडे पिज्जा। दोस्तों सो सो मंदिर के दर्शन भी हो चुके हैं और काफ़ी बढ़िया लग रहा है, तो मंदिर में भी भजन चल रहा है। इसके अलावा मतलब मुझे पता नहीं था इतना बड़ा सरप्राइज होने वाला है मेरे लिए, तो देख सकते हैं आप लोग साइड को मार्केट में। यहाँ पे तो देखना था सामान कुछ पसंद आता है या नहीं आता है, और यहाँ से थोड़ा कुछ लेना मिला घर के लिए, या तो आप मेरी हो चुकी है घर जाने की तैयारी कुछ दिनों बाद। तो हेलो, बर्थडे पार्टी, हम तो बर्थडे पार्टी लेने आ गए। तो इसने कल रात से बहुत परेशान किया था हमें। तो सीन क्या है? सीन ये है कि मुझे पार्टी चाहिए। तो अभी आ चुका है इस बर्थडे पार्टी इनके लिए। तो कैसे लग रहा है आपको? तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है रात की 12 बजे से, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और आज देखते हैं कौन मेरे को पहले विश करता है। तो मैं आपको वो भी करता हूँ क्या, आपके वो पार्टी भी सुनाऊँगा और देखते हैं कौन करता है कितना करता है, और आगे का सीन दिखाता हूँ आप लोगों को। तो अभी हमारे जी स्टाफ में नया बंदा आ रहा है, कल का नाम क्या है, संदीप नाम से, और पीछे से हैप्पी बर्थडे, ये भी करने का कौन सा तरीका था, मैं समझ में आते हैं। थैंक यू भैया, ऐसे विश नहीं करते भाई। तो चले जी आगे का सीन दिखाते हैं आप लोगों को किस किस का। तो गाइस सो एक्साइटेड, तो इन्होंने मेरे को ऊपर बुलाया, मुझे पता नहीं था। तो यहाँ इतना बड़ा बिजनेस मेरे को केक ला रखा है मेरे का सिस्टर ने, तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़े कौन बोलेगा। इतना कुछ कर लिया तो यो जी, थैंक यू। और अभी इसका कार्यक्रम स्टार्ट कर दे। तो मेरी रील्स खराब कर दी यहाँ। तो गाइस अभी मेरी हालत कुछ इस तरीके से हो चुकी है, और सो आई एम सो एक्साइटेड। इनसे पहले मतलब आज तक मुझे ऐसा विश किसी ने किया, तो अच्छा लगा वो। और एक वीडियो कॉल में हमारे साथ, और ये देखिएगा वीडियो कॉल में सब देख रही है। ले ले बांट क्या इसको, हम नहीं बांटे। मजे ले रहे हैं। तो सो गाइस अभी रात के 2 बज चुके हैं और हमारे आ चुके थे पिज्जा। तो आ गए अपने ठंडे पिज्जा। गाइस अभी रात के 2 बजे हमारा हो रहा है पिज्जा पार्टी। तो चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है, और रात तो कुछ अलग ही फील हुआ मेरे को और अलग ही मज़ा आया। तो पहली बार ऐसी विशेष किया मेरे को किसी ने, तो बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा। प्लान किसी और का भी था और बट वो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का बर्थडे विशेष करने के लिए। तो अभी का आगे का सीन दिखा था आप लोगों को,
तो अभी सुबह की 7:30 वाला टाइम। तो हाँ, दिन भर में क्या होता है और किन किन के मेरे वो मैसेज आए थे वो है, मैं आपको पूरा सुनाऊंगा, आप पढ़ के सुनाऊंगा, दिखाऊंगा जो भी सीन है आगे का। तो थैंक यू। तो सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी आ चुका हूँ मैं ड्यूटी से वापस और अभी आगे का सीन दिखाता हूँ आप लोगों को, किस किस के मैसेज आ रखे, बहुत ज़्यादा मैसेज आ रखे, वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा आप लोगों को सबको। तो अभी मेरे को एक अच्छी सी लोकेशन या जगह चाहिए जहाँ मैं बैठ। तो चलिए दोस्तों, सुबह सुबह मंदिर नहीं आए बर्थडे के दिन, तो ये बहुत गलत बात है। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने पास में पड़ता है मंदिर पे, तो हालत को भी डाउन भी है चाहे बच्चे, तो कोई बात नहीं जैसे भी है। चलिए दोस्तों, फाइनली हो चुका है मंदिर के दर्शन सुबह सुबह, तो काफ़ी बढ़िया लगा एक्सपीरियंस भी, तो सोचा नहीं था। तो रात की जो विशेष थी मेरी जिसने को विश किया था, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा मतलब मुझे पता नहीं था इतना बड़ा सरप्राइज होने वाला है मेरे लिए, तो देख सकते हैं आप लोग चेक द व्यू ऑन द। तो चलिए दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं रूम पे और आपको आगे का हाल बताता हूं, फ़ोन की क्या क्या हाल रहे और के और कितने मैसेज आ रखे और जो भी है फेसबुक इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सब कुछ था। अभी शाम का टाइम हो चुका है और उसके बाद मैं मैसू में और उसमें इतना खो गया था कि और उसके बाद मैं से सो गया था या। तो अभी शाम के 4-5 बज गए और अभी मेरी तैयारी है कहीं घूमने जाने की, और कोई दोस्त मिलने वाला, कोई फ्रेंड है मेरी इधर की, तो वो मिलने के लिए अभी हम मिलने के लिए जा रहे हैं उसके लिए उसके साथ। तो देखते हैं क्या सरप्राइज रहता है उसका। और कल रात का तो भयंकर वाला सीन था, तो आज का सीन दिखाता आप लोगों को आज क्या होने वाला है अब। और अभी जो मेरी लोकेशन है इधर ही है जबलपुर वाली साइड। तो अभी शाम के 6 बज चुके हैं, हाँ 6 बजने वाले हैं। तो दिखाते आप लोगों को, तो आप लोगों का जो प्यार था व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया और इंस्टा हो गया, काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला मेरे को। तो अभी तक मैं उसे ही देख रहा था, अभी किसी को रिप्लाई नहीं किया, तो जिनको मैं मतलब रिप्लाई नहीं कर पाए उनको सॉरी। तो बहुत ज़्यादा वो हो रहा था मतलब कि इतने ज़्यादा मैसेज आ रखे थे, कॉल आई थी, मैं तो फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया था। ये दूसरा वाला तो अभी मैं पहुंच चुका था ये वी मार्ट वाली साइड को, मार्केट में यहाँ पे थोड़ा देखना अगर सामान कुछ पसंद आता है या नहीं आता है मैं, और यहाँ से थोड़ा कुछ लेना मिला घर के लिए, या तो अब मेरी हो चुकी है घर जाने की तैयारी कुछ दिनों बाद। तो यहाँ से सामान देखने के लिए मैं आया था, तो मेरी जो फ्रेंड थी वो भी इधर ही आ रही शायद, तो उसने बोला था यहाँ मिलने को, दिखते काम ही किए। चुका था मैं, यहाँ पहुँच चुका था और लगभग वो भी पहुँच चुकी है मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये देखो पीछे से आ रही है, तो आगे के स्टाइल देखो उसकी। हेलो, क्या हाल चाल? थैंक यू सो मच। तो कैसा लग रहा है आपको? तो आगे का सीन नाम तो चल बैठो। तो हेलो, बर्थडे पार्टी, हम तो बर्थडे पार्टी लेने आ गए। तो इसने कल रात से बहुत परेशान किया था हमें। तो सीन क्या है? सीन ये है कि मुझे पार्टी चाहिए है, फुल वाली पूरी
और तो तुम पिज़्ज़ा पार्टी करा रहे हो, हमें भी पार्टी चाहिए। पहुंच गई है माय फ्रेंड शीला टॉमी। टॉमी कहाँ से आओ? तो ये यहीं से मतलब लोकल यहीं से इधर से, तो बहुत अच्छा लगा मुझे मिलकर। तो इन्होंने कल मेरे लिए मतलब केक इन्होंने भिजवाया था रात को, मुझे पता नहीं था। तो अभी इतना बड़ा सरप्राइज दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये अभी मिल रही, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल तो बैठे हम और इधर ही आए थे मैं, तो इसको भी बुला दिया था इसका, क्योंकि तो अभी आ चुका है इस बर्थडे पार्टी के लिए। तो कैसे लग रहा आपको? जीप ठंडी होगी तुम्हारी, कोई बात ना दोस्तों। अभी थोड़ा बहुत तो पार्टी हो गई थोड़ी बहुत, तो अभी मुझे यहाँ से सामान भी लेना है मार्केट से, तो घर जाने के लिए। तो ये सामान चूज करने के लिए आ रखे उसको बुला रखा है, तो आगे दिखाते आप लोगों को आगे का सीन। तो हेलो जी, प्यार ना हो जाए कुछ ना। तो कुछ वैसे सामान भी लेने के लिए ना लेना बाद में, जैसे घर के लिए सामान होम के लिए। आ चुका है मैं और यहाँ मिल चुका है हमें एक भाई उत्तरकाशी का पहाड़ी। तो कितने घंटे की ड्यूटी है? 9 घंटे। सुबह कितनी जाती है? 11 बजे। मुझे दे दूँगा तो फिर। अच्छा सही है। और नाइट में चलते हैं? नाइट में चलते हैं नहीं, अच्छा पूरी नाइट। हाँ क्या क्या है वो भाई? मैंने शॉपिंग भी हो चुकी है और एक इसके हाथ में है, और दिखा दे आप लोगों को, चलते हैं हम। इसका इसके कान नाम है बच्चों जैसे हरकतें रहती है इसकी। चल बस कर अब सर, पार्टी पार्टी पूरी भी हो चुकी है और अभी हो चुकी है हमारे घर जाने की तैयारी। ये है मेरे घर का सामान, ये उठा ये उठा क्यों आ रही खाली? तो ये मैंने तो ज़्यादा नहीं, 2-3 हज़ार की शॉपिंग और की है घर जाने के लिए। तो चल अभी मैं जाऊँगा अपने रूम पे इधर वाले साइड को, और ये जाएगी इधर वाले साइड को। चल चल तो बाय बाय। तो यहाँ से तो मेरे कमरे की फिर होगी वो लगभग, फिर जाने यहाँ से क्या बोलते हैं उसको, नेहरू कॉलोनी धर्मपुर वाली साइड को, और चलते हैं अभी। तो दोस्तों आज की वीडियो को दिखा दें आप लोगों को। चलिए दोस्तों फाइनली पहुंच चुका हूं अभी नाइट ड्यूटी पे, और अभी ज़्यादा टाइम भी हो चुका है, रात की 10-11 बज चुके हैं। तो उसके बाद वीडियो मैं टाइम ही नहीं मिला वीडियो बनाने का। तो अभी का जो सीन है, अभी आंटी पीछे से है और खाना पीना होता है, बहुत लेट होता है। आंटी कुछ बोलना चाहती हो? तो काफ़ी बढ़िया लगा, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था, और बहुत बहुत धन्यवाद आप जिन लोगों ने विशेस किए थे मेरे को, मैं उन लोगों को ये दिन कभी नहीं भूलूँगा, और काफ़ी बढ़िया। तो अंकल, तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।